अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल केक, आइसक्रीम या फिर कोई भी स्वीट डिश बनाने में किया जाता है। इसे बनाना बहुत आसान है, तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। इसे बनाने के लिए मैं ली हूँ 250 ग्राम पपैया। यह बिल्कुल कच्चा पपैया है, इसे छील ली हूँ और उसके बाद अब मैं इसे काट लूँगी पतला पतला और इसका जो अंदर का बीज है उसे भी निकाल लूँगी। ये देखिए, इस तरह से कट करना है और बीज भी इस तरह से निकाल लेना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने काट ली हूँ और इसका बीज भी साफ़ कर ली हूँ। अब हमें इसे काट लेना है, तो पहले मैं इसे इस तरह पतले पतले पीसेस में काट के फिर इस तरह से स्क्वायर शेप में काट लूँगी। सभी को हमें एक तरह से काट लेना है। ये देखिए, मैं काट ली हूँ सारे पपैया को। ये देखिए, इस तरह से मैं कट कर ली हूँ। अब हम इसे उबालेंगे। यहाँ मैं कढ़ाई में 3 कप पानी रख दी हूँ। हमें उतना पानी लेना है जितने में हमारे पपैया अच्छे से डूब जाए। अब मैं इसमें डाल दी हूँ सारे पपैया को। इसे ढककर 5 से 6 मिनट तक उबालूँगी। ये देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं इसे उबलते हुए। हमें इसे हाफ कुक करना है, तो हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम चेक कर लेंगे, ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक छन्नी में निकाल लेंगे। इस तरह से हमें निकाल लेना है। इसका सारा एक्स्ट्रा पानी अच्छे से निकल जाना चाहिए। इसी तरह मैं छन्नी में ही रख दूँगी इसको साइड में। और अब हम इसका शुगर सिरप तैयार करेंगे। यहाँ ले रही हूँ मैं एक पैन, उसमें डाल रही हूँ 2/3 कप चीनी और उसी कप से मैं 2/3 कप पानी भी डालूँगी। हमें यहाँ कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ चीनी को घुल जाने तक हमें इसे पकाना है। हम चलाते हुए इसे पका लेंगे। ये देखिए, चीनी अच्छे से घुल चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी पपैया के पीसेस। तरह से हमें डाल देना है। अब हमें इसे अच्छे से मिला लेना है। देखिए, इस तरह से डुबो देना है सभी पपैया को। और अब मैं इसे ढक दूँगी और ढक कर 5 से 6 मिनट तक इसे पकाऊँगी। इसे पकाते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। अभी हमारी चाशनी पतली है, तो मैं फ्लेम को हाई कर दूंगी और चाशनी गाढ़ा होने तक इसे पका लूंगी। हमें इसे ढकना नहीं है अभी। ये देखिए, अभी चाशनी हमारा चिपचिपा हो चुका है, गाढ़ा भी हो गया है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। ये देख सकते हैं, इसमें थोड़ी चाशनी है अभी। अब हम इसमें डाल देंगे फ्लेवर के लिए वेनेला एसेंस। मैं 4 से 5 ड्रॉप डाल रही हूँ। आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, रोज़ फ्लेवर भी ले सकते हैं, केवड़ा एसेंस भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। इसे अच्छे से मिला देंगे। अब मैं यह ले ली हूँ 3 कलर। मैं यहाँ 3 कलर का बना रही हूँ। आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक एक पिंच कलर ली हूँ मैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी सारे पपैया। इस तरह से हमें मिला लेना है। अभी इसमें कलर नहीं लग रहा है, लेकिन जब हम इसे रख देंगे 4 से 5 घंटे तो इसमें कलर आ जाएगा अच्छा सा। ये देखिए, इस तरह से हमें मिला देना है। देखिए, मिला दी हूँ मैं। और अब मैं इसे ढककर 3 से 4 घंटे के लिए रख दूँगी इसी तरह से। और ये देख सकते हैं आप, 4 घंटे रखी थी मैं, 4 घंटे के बाद ये कितना कलरफुल हो गया है। अब हमें इसे निकाल लेना है। इसे निकालने के लिए मैं ले ली हूँ एक प्लेट, उसके ऊपर रख दूँगी इस तरह का छन्नी। हम इसे छन्नी पे इसलिए निकाल लें ताकि इसका एक्स्ट्रा जूस जो है वो निकल जाए नीचे और ये जल्दी से सूख जाए। इस तरह से मैं निकाल ली हूँ। इसी पर मैं बाकी के भी डाल दूँगी। इस तरह से इस पर डालकर हमें फैला देना है। ये देखिए, बाकी का भी मैं डाल दूँगी।
देख सकते हैं कितना कलरफुल दिख रहा है। अच्छा है तो इसे पंखे के नीचे सुखा लें या फिर धूप में रख के सुखा लें। हमें इसके चाशनी को ड्राई कर लेना है। छन्नी के ऊपर रखने की वजह से इसका जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो नीचे निकल गया है। इसी तरह हमें इसे रख देना है। यहाँ आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा टूटी फ्रूटी बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही बढ़िया बना है, बिल्कुल मार्केट के जैसा। आप इसे फ्रिज में रख कर 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, यह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना बढ़िया बना है, देखिए हाथ से बिल्कुल परफेक्ट बना है ये। इसे सुखाने में हमें 12 घंटे लगे हैं लगभग। अगर आप धूप में सुखा रहे हैं तो बहुत जल्दी ही सूख जाएगा। बस इसे थोड़ा उलटते पलटते रहें। तो देखा आपने इसे बनाना कितना आसान था, आप भी बनाइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को